बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से मसाले वाले आलू। मसाले वाले आलू बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 kg आलू है, जिनको मैंने इस तरह स्लाइस में ऐसे कटिंग कर लिया है, ठीक है। 6 से 7 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने बड़ी कटिंग कर लिया है। 2 अदद प्याज हैं बड़े साइज़ की जिन्हों को कटिंग कर लिया है। इधर लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ है, अदरक बारीक बारीक कटा हुआ है। रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून है। नमक जो है 1.5 टेबल स्पून है। गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। हल्दी पाउडर वो भी 1 टीस्पून है। थोड़ा सा ज़ीरा और 3 से 4 अदद दालचीनी के पीस हैं। और इधर ये मैंने हरी मिर्ची बारीक कटे हुए नींबू हैं, साथ कलवंजी के, और ये नींबू हम इसको निचोड़ेंगे उसमें। इधर मैंने पैन में ऑयल डाल दी है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें साथ ही लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे ताकि दोनों गोल्डन शेड में हो जाएं और इसका फ्लेवर अच्छे से आए। इसको हम लाइट सा गोल्डन शेड, जैसे इसका कलर चेंज होगा लाइट सा गोल्डन, तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस और बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये हमारे जो प्याज का कलर है वो बिल्कुल गोल्डन सा हो गया, लाइट गोल्डन जैसा हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। साथ ही हम इसमें सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे, काली मिर्च भी साथ ही ऐड कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि हमारे जो टमाटर और प्याज हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, तो हम चेक करते हैं कि हमारे टमाटर और प्याज गले हैं कि नहीं। ये माशाल्लाह हमारा प्याज और टमाटर जो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई करते वक्त हम इसमें जो कटा हुआ अदरक डाल देंगे, साथ ही हम इसमें जो हमारी कलौंजी थी वो ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। जी हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुनाई हो चुका है। अब साथ ही इसी स्टेज पे हम जो है ना आलू ऐड कर देंगे। पहले हम आलूओं को अच्छी तरह से इसी मसाले में फ्राई करेंगे। यानी कि इसको भुनेंगे अच्छी तरह। जी आलूओं को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है इसमें, यानी कि भून लिया है। इसको भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी आप हांडी की भुनाई जितनी अच्छी ऐसी करेंगे उतना अच्छा सैका निकलेगा और जो मिर्ची का कच्चापन होता है वो नहीं आएगा, फ्लेवर उसका बहुत टेस्टी सा अच्छा सा निकलेगा भुनाई करने की वजह से। इसी शेप से हम साथ ही इसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ देंगे। लेमन निचोड़ने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे और साथ ही हमारे जो कटे हुए नींबू को ऐड करेंगे। साथ में इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। मैंने लेमन हरी मिर्ची सब कुछ पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे गलने के लिए रख दूँगी, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, इसको गलने के लिए रख दी है। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमें अपने देखती हूँ आलू कहाँ तक पहुँचे। भी हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमें इन आलुओं को डिश आउट करूँगी।
जी अच्छा, तो मैंने अपने आलू जो हैं मसाले वाले आलू, मज़ेदार आलू जो हैं वो मैंने डिश आउट कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसको दही के रायते के साथ लगा के खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। आप घर में कुछ ना समझ आ रही हो तो ये बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी आपकी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो आपकी कैसी लगेगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।